हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ मेरे घर के एक नए मेंबर से, जो आज ही हमारे यहाँ आया है। और ये है ये छोटा सा पपी। ये पपी डच शेफर्ड ब्रीड का है और हमने इसे आज ही अपने यहाँ लाया है, लेकिन सही देखभाल नहीं करने की वजह से इसकी बहुत अच्छी हालत तो नहीं है। इसके पाँव में एक गहरा सा घाव है जो काफ़ी डीप है, और साफ सफाई भी शायद ठीक ढंग से नहीं की जाती थी जहाँ इन्हें रखा जाता था। इस वजह से थोड़े से जो इसके कीड़े हैं वो भी दिख रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से डॉग शैम्पू से नहलाना होगा, वॉश करना होगा, और फिर मेडिकल शॉप में जाकर मेडिकल वेटनरी डॉक्टर से परामर्श लेकर इसकी दवा भी करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके घाव का सूखना बहुत ज़रूरी है। और इसके घाव में काफ़ी गहरापन है जिसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके पाँव में बहुत गहरा घाव है, पर इसके बावजूद भी यह खेलने की कोशिश कर रहा है, दौड़ने की भागने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बहुत जल्दी इसे ठीक करना होगा। और ये देखिए, ख़राब रख रखाव की वजह से इसके जो कीड़े हो गए हैं इसके रोए में, वो इसे कितना परेशान कर रहे हैं। तो इन सब से मुझे इसे निजात दिलाना होगा, और इसके लिए मैं आज इसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और फिर इसका मैं पूरा ट्रीटमेंट करूंगी ताकि ये ठीक हो जाए और इसके प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आपके साथ हमेशा के लिए शेयर कर सकूं। तो ये बच्चा बहुत प्यारा है, थोड़ा शैतान भी है, थोड़ा नटखट भी है, लेकिन बहुत क्यूट है। तो इसके लिए कुछ अच्छा सा नाम अगर आपको याद आए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट कर बताएं, क्योंकि मैं इसका बहुत ही ख़ास नाम रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चा वाकई में बहुत ख़ास है और बहुत रेयर ब्रीड का है। तो घर में एक पेट घर की रौनक ही बढ़ा देता है, आपके अकेलेपन को भी दूर कर देता है। तो इनके साथ आप अपने भावनाओं को, अपने प्यार को शेयर करें और अनकंडीशनल लव को इंजॉय करें। तो ये रहा मेरा पपी, जो मेरे घर के हर सदस्य का बहुत प्यारा है। तो आप सब इसके लिए कोई अच्छा सा नाम ज़रूर सोचें, और हम सब ने मिलकर आज ही इसका जन्मदिन भी मनाया है और इसके लिए हमने ये प्यारा सा केक भी बनाया है। क्योंकि ये आज ही हमारे घर आया है तो हम आज ही इसका जन्मदिन मनाया करेंगे। तो ये प्यारा पपी के नाम ये प्यारा सा केक, और आप सब भी शामिल हो जाइए और इस खुशी में आप सब भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरा पपी आपको कैसा लगा। और ये मेरा बेटा केक को कुछ और खूबसूरत बनाते हुए, क्योंकि ये पपी उसे भी बहुत पसंद है।